दोस्तों, तो ये है वो मिनी ट्राइपॉड जो है यंग टैंग का, और ये आप इसकी ब्रांड देख सकते हो। यहाँ पे नीचे क्यूआर कोड बार कोड दिख रहा है। यहाँ पे सब चाइना और इंग्लिश में सब लिखा है, मेड इन चाइना है ये। यहाँ पे भी इसकी ब्रांड, इसका जो मॉडल नंबर है XH228 है। तो आप यहाँ पे अपना कैमरा भी अटैच कर सकते हो और अपना फ़ोन या इस तरह से फ़ोन भी अटैच कर सकते हो। दोस्तों, तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। दोस्तों, तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, ये है 21 सेंटीमीटर के इसकी हाइट है, टोटल हाइट है ये 18.5 सेंटीमीटर की इसके लेग्स है, 25 mm, और ये इसका वेट है 0.5 kg। तो दोस्तों, इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही सबसे पहले हमको मिलता है ये फ़ोन होल्डर, काफ़ी मजबूत क्वालिटी का लग रहा है तो प्लास्टिक, लेकिन मजबूत लग रहा है आपको फ़ोन को एकदम कस के पकड़ने में ये। तो इसे रखते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ जो है हमारे मेन चीज ये है वो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक ये रबर जिस पे आप अपना कैमरा अटैच करते हो, ठीक है ना, कैमरा अटैच करते हो तो आपको कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये थोड़ा ओके, ये रिमूव भी होता है, लेकिन ये इसका लगता है कि ग्लू काफ़ी कम है, मैं इसको चिपका दूंगा दोस्तों। और ये है, ये जो मटेरियल है आपको दिख रहा है स्टील की तरह, लेकिन स्टील नहीं है बल्कि प्लास्टिक है, और मजबूत प्लास्टिक है। आपको यहाँ पे ट्रिगर जैसा दिख रहा है, ये ट्रिगर है, मतलब ये लॉक अनलॉक है। अब इसको पुश करेंगे तो ये आप कहीं पे भी 180 डिग्री पे इसको आप कहीं पे भी घुमा सकते हो, और आप छोड़ दे तो ये लॉक पोजिशन में था, लेकिन आप थोड़ा और कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो थोड़ा घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा और पीछे पुश करेंगे तो पूरा का पूरा लोक आएगा। अभी ये हिल भी नहीं पा रहा है, देखा आपने, इसके थ्री लेग्स है। ये पूरा प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है, और यहाँ पे आप लेग्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको रबर मिल जाते हैं जिससे आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल सकती है। तो ये है हमारा मिनी ट्राइपॉड दोस्तों। अभी हम यहाँ पे फोन होल्डर भी अटैच कर देते हैं। तो ये हमने फोन होल्डर अटैच कर दिया है। आप ध्यान रखें कि आप इसे खरीदते हो तो यहाँ ये जगह पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए ये जगह, क्योंकि ये प्लास्टिक है लेकिन ये टूट सकता है, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये लॉक हो गया, देखो ये हिल भी नहीं रहा है। और आपको यहाँ पे स्टैंड पे आपको रबर तो नहीं मिलता है, पर आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है। देखो फिर हाथ में ये अच्छा लगता है, आप यूट्यूब पे वीडियो व्लॉगिंग भी कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, और ये ऐसा आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो दोस्तों। ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, मैं इसको रिपेयर करके देख लूँगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। ओके दोस्तों, तो मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे 300-350 के आसपास मिल जाता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ लिया है 94 रुपीज़ में, 98 रुपीज़ में। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चाहिए, तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आप गुजरात के बड़ौदा में रहते हो, बड़ौदा जिले में रहते हो, तो आपको आपको ये लेने के लिए इजी है। अगर आप कुछ आउट ऑफ गुजरात हो या आउट ऑफ बड़ौदा हो, तो आपको ये ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।